हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रमाज लाइफस्टाइल। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था वगाड्स खादी ब्लैक मेहंदी के रिलेटेड। सो आप सभी लोगों ने बहुत सारा जो है उसको प्यार दिया है, मतलब देख रहे हैं आप लोगों को काफी वो वीडियो पसंद आ रही है हेयर कलर की। उससे रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों के मन में क्वेश्चन है जो कंसिस्टेंटली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। सो मैंने सोचा इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो क्यों ना बना दूं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी सारी जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाए। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना चाहूंगी इन डिटेल। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को किया हो सब्सक्राइब और पास का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल रहता है कि ये अगर केमिकल नहीं है इसमें तो कैसे क्या हेयर्स को ब्लैक करता है ये वगाड्स खादी ब्लैक मेहंदी। मैं किसी भी जो है ब्रांड को आगे ना डिफेम कर रही हूँ, ना मैं किसी ब्रांड को बढ़ावा देना चाह रही हूँ। मैं एक नॉर्मल बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। इसमें मेंशन किया है कि 100% सेफ है, नेचुरल है, पर हमें खुद भी जो है इन रियल पता नहीं होता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। कभी कभी जो है कुछ कंपनियां जो है थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट पे जो मेंशन कर देती हैं और कुछ जो है हार्मफुल ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट के जो कंटेंट है वो मेंशन नहीं करती हैं। तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ है। बट यहाँ तक मैंने इसे यूज किया है तो मैंने देखा है कि एक अजीब सी इरिटेशन नहीं होती जो आपको हेयर कलर लगाते वक्त होगी, और बहुत ही नेचुरल काले होते हैं एकदम। जब आप कोई हेयर कलर लगाते हो ब्लैक कलर का, एकदम काले कौए जैसे दिखते हो, मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाता है, वैसा नहीं, एक नेचुरल सा कलर आता है ब्लैक कलर का। ये चीज मैंने देखी। तो इस प्रोडक्ट में केमिकल है या नहीं है, या फिर बिना केमिकल के बाल कैसे काले होते हैं, ये इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये तो हमें आगे बढ़ के जो है मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा इसको पता लगाने के लिए, और उसमें काफी परेशानियां भी आ सकती हैं। सेकंड जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है कि जो ब्लैक बाल हैं वो भी तो सफेद नहीं हो जाएंगे। सो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपके सफेद बाल नहीं है तो कलर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पोर्शन में मानिए आपके यहाँ पे थोड़े से आपके अगर व्हाइट हेयर्स हो गए तो इतने ही पोर्शन को कवर कीजिए, बाकी पोर्शन को कवर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी हेयर कलर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा कलर चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, तो प्रोफेशनली आप पार्लर में जा करके लगवा सकते हैं, या फिर मेहंदी अप्लाई कीजिए, जिससे जो है एक नेचुरल कंडीशनिंग तो बालों में होगी ही, साथ में एक ब्राउनिश कलर भी आपके हेयर में आ जाएगा जो कि परफेक्ट है। अगर आपके बाल सफेद नहीं है तो हेयर कलर अप्लाई मत कीजिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगी। और बात रही कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि 50% लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनके बाल जो है बार बार कलर लगाने से सफेद हो जाते हैं। बालों में होता है मेलानिन, जिससे जो है बाल हमारे काले मेंटेन होने में, काले होने में सहायता मिलती है। बार बार कलर लगाने से वो जो है कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे बाल जो है और भी ज्यादा सफेद हो जाते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये हेयर कलर लगा के हम बालों को शैम्पू कर सकते हैं क्या। सो कोई भी हेयर कलर लगाइए, कोई भी आप अगर आपके व्हाइट बाल हैं आपने अप्लाई किया है, कोई भी हेयर कलर आप अगर लगाएं तो उसके बाद जो है शैम्पू जो है ज्यादातर हेयर कलर्स में मना किया जाता है कि शैम्पू नहीं करना है। तो ये जो खादी वगाड्स खादी ब्लैक मेहंदी है उसके बाद भी आपको शैम्पू नहीं करना है। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू का यूज करना है। आप लोगों ने ये भी पूछा है मुझसे कि कलर जो है कितने दिन तक चलता है। तो कलर जो है टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना ज्यादा हफ्ते में हेयर वॉश करते हैं, कितना ज्यादा शैम्पू आप अप्लाई करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ में आप जब भी कभी घर से बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो जो सूर्य की किरणों से हमारे जो हेयर कलर है वो फेड होने का जो है एक चांस रहता है, जिसके कारण भी जल्दी बालों से कलर उतर जाते हैं। तो सबसे पहला टिप्स ये होगा आप लोगों के लिए कि अगर आपने आपके बालों को कलर किया है तो अपने हेयर्स को कवर करके जाइए, ताकि जो है धूप ना लगे, जिससे जो है आपका हेयर कलर लंबे समय तक टिका रहेगा। कम शैम्पू कीजिए अगर आपको ज्यादा दिन तक के लिए हेयर कलर आपका टिकाना है तो। सो आई होप आपके सारे जो है सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल गया होगा और सारा कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।